हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको ये वेरीगेटेड रिबन ग्राफ्स रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। और मेरा भी रिपोर्टिंग करने का कोई वो नहीं था, मकसद नहीं था, लेकिन ये मेरा गमला टूट गया है, ये देखिए यहाँ से, तो इसीलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो आज मैं इसी को लगा कर आपको दिखाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का एक गमला लिया है। और अगर आप प्लास्टिक के गमले में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उस पर बहुत सारे होल्स बना लीजिए ऐसे। ये देखिए मैंने 8-10-12 होल बनाए हैं इसमें, जिससे कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है और प्लांट फिर ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए ज़रूर। तो सबसे पहले इसके नीचे मैं कुछ कंकड़ रख लूँगी, जो कि इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। प्लास्टिक के गमले में थोड़ा सा आधा इंच लगभग या फिर 10-15-20 कंकड़ नीचे डाल दें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए कुछ कंकड़ मैं रख रही हूँ जो इसके ड्रेनेज होल हैं, ये ऐसे रख देने हैं। या तो फिर आप इसमें जो बजरी रेत से छनने वाला जो बजरी होती है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं कई सारे गमलों में उसी को डालती हूँ, पर अभी मेरे पास नहीं था, नहीं तो थोड़ी सी उसकी एक लेयर मैं इसमें डाल देती हूँ प्लास्टिक के जो भी मेरे गमले होते हैं। उससे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, उनमें कोई ज़्यादा पानी भी नहीं रुकता और फिर प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, क्योंकि मिट्टी और सीमेंट के गमले पानी को सोख लेते हैं लेकिन प्लास्टिक पानी को अपने अंदर नहीं सोखता है, इसलिए प्लांट ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। तो ये मैंने रख लिया। उसके बाद मैं इसमें ये मिट्टी मैंने बनाई है, इसमें लगभग 30% रेत है और 20% कंपोस्ट है और 50% गार्डन सोइल है। तो ये सब चीज़ मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर और थोड़ी सी नीम खली भी डाली, लगभग 2 चम्मच के बराबर, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए मेरी मिट्टी अच्छे से तैयार है। इसके बाद मैं इसमें मिट्टी डालूँगी। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा हमको उसको प्रेस कर देना है अच्छे से, ताकि मिट्टी बहकर नीचे ज़मीन में नहीं जाए। ये देखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दबाना है, बस थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। उसके बाद मिट्टी भर दी। मैं इसको प्लांट को निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने प्लांट को निकाल लिया है और इसकी देखिए रूट पूरी बाउंड हो रही है अंदर बहुत सारी। इसे मैंने नीचे एक कपड़ा लगाया हुआ था, क्योंकि जिससे मिट्टी ना छनकर बाहर गिरे, तो ये पूरी रूट्स इसके अंदर घुस गई हैं। ये देखिए, और ये देखिए इसकी रूट भी कितनी सारी निकल गई हैं, बहुत सारी रूट बाउंड हो रहा था ये प्लांट। तो इसके लिए अगर कोई भी प्लांट आपका रूट बाउंड होता है तो आप उसकी रूट कट कर सकते हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन है इसलिए मैं इसको अभी कट नहीं करूँगी। मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी अभी। और ये इसमें ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और एकदम सेडी प्लेस का प्लांट है। एकदम सेडी एरिया में रखना इसको पसंद है, क्योंकि धूप बिल्कुल पसंद नहीं है इसे। धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम आप इसको जहाँ पर छाया हो वहीं पर रखें। अगर थोड़ा सा भी धूप लग जाती है तो इसकी पत्तियाँ ऐसे बर्न हो जाती हैं। ये देखिए ऐसे साइड में ऐसे बर्न होने लगती हैं। मेरे भी 1-2 दिन धूप इसमें लग गई थी, तो ये देखिए यहाँ से बर्न हो गई पत्तियाँ। तो आप इस प्लांट को एकदम छाया वाली जगह में रखें। एक तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और ऊपर से अगर थोड़ी सी भी धूप इसको लग जाती है तो फिर प्लांट ख़राब होने का डर रहेगा। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट होता है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए इसको मैंने लगा दिया। और मैंने सारे अपने इंडोर प्लांट जितने भी हैं सारे प्लास्टिक के गमलों लगाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे चलते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार अपने वीडियो में दिखाया भी है। तो प्लास्टिक के गमले अच्छे होते हैं, हाँ आउटडोर के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता, पर जो इंडोर प्लांट हम उनमें आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि वो छाया में रखे रहते हैं तो गमले भी जल्दी ख़राब नहीं होते और प्लांट भी ख़राब नहीं होते हैं। बस उसके ड्रेनेज का ध्यान रखना चाहिए कि उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। तो ये प्लांट मेरा लगकर तैयार हो गया है, ये देखिए। ये देखिए
ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है प्लांट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है प्लांट ये। तो आप इसको अपने इंडोर रख सकते हैं, इंडोर के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसे पानी डाल दूँगी। पानी इसको शुरू में हमको अच्छे से दे देना है पूरे प्लांट में, ताकि नीचे से निकल जाए। मैं इसको फिर अभी एक बार और पानी डालूंगी, अभी थोड़ा सा ये पानी अंदर चला गया है। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।